मेरे प्यारे देशवासियों, हर त्योहार में हम अपनों को याद करते हैं। इस दीपावली में हम सभी देशवासी हमारी रक्षा के लिए, हमारी सुख चैन की जिंदगी के लिए अपना जीवन खपा देने वाले सुरक्षा बलों को दीपावली की शुभकामनाएं भेजें। सुरक्षा बलों के जवानों की हौसला अफजाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील जारी की है। ये वही जवान हैं जो जागते हैं तो हिंदुस्तान चैन से सोता है। सरहद की सुरक्षा के लिए ये जवान अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। लोग जब अपने परिवार के साथ त्योहार मना रहे होते हैं तो ये जवान सरहद की सुरक्षा में लगे होते हैं, ताकि देश के लोग अमन चैन से त्योहारों का आनंद ले सके। अभी देश के जवानों को दीपावली की शुभकामना भेज दी। आप भी मेरे साथ जुड़िए। 125 करोड़ देशवासी वीरों के साथ खड़े रहते हैं, जवानों के साथ खड़े रहते हैं, सुरक्षा बलों के साथ खड़े रहते हैं। की ताकत 125 करोड़ गुना बढ़ जाती है। जल सेना हो, थल सेना हो, नभ सेना हो, BSF के जवान हो, CRPF के जवान हो, सुरक्षा क्षेत्र में काम करने वाले हर कोई जवान हो, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से तो सुरक्षा बलों के जवानों को संदेश भेजने की अपील की ही, खुद उनके साथ दिवाली मनाने भी जा रहे हैं। इस बार वो उत्तराखंड के चमोली जिले में IGBP की माणा पोस्ट पर जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली से बद्रीनाथ पहुंचेंगे। इसके आगे वो माणा जाएंगे, यहाँ IGBP के जवानों से मुलाकात करेंगे, यही जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। PM के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी रहेंगे। हालांकि उनके इस कार्यक्रम को गुप्त रखा गया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक वो भगवान बद्र विशाल के दर्शन भी कर सकते हैं। है कि आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग और IGBP के DG भी जोशीमठ पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक PM हेलीकॉप्टर से चीन सीमा में IGBP की पोस्ट का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। देश के सरहद पर ही नहीं, सैनिक हर संकट की घड़ी में देश की सेवा करते हैं। इस बार की दिवाली इसलिए भी खास है क्योंकि भारतीय सैनिकों ने सीमा पार कर पाकिस्तान को सबक सिखाया। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को ये जता दिया कि हमसे टकराने की जरूरत ना करना। इन सब को लेकर PM सैनिकों के बेहद घायल हैं। ये तीसरा मौका है जब प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी तीसरी बार सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाएंगे। इससे पहले साल 2014 में उन्होंने सियाचिन के जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। यहाँ भी उन्होंने सेना के जवानों की तारीफ करते हुए उनकी खूब हौसला अफजाई की थी। देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, ये आपका जीवन संदेश रहा है। और इसलिए थल सेना हो, वायु सेना हो, नौ सेना हो, देश के जवानों के प्रति सारा देश गर्व की अनुभूति करता है। दरअसल 2014 में ही PM श्रीनगर में बाढ़ पीड़ितों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे थे। श्रीनगर में आई बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई थी। इसमें सेना के जवानों ने पीड़ितों की बहुत मदद की थी, और यही वजह थी कि PM मोदी ने सियाचिन जाकर सैनिकों के साथ दिवाली की खुशियां बांटी थी।